नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि BHU CHS जो कि 9th, 10th, 11th नर्सरी LKG और 1 क्लास के जो कि फॉर्म निकलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसके बारे में और उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपको भरने के लिए, क्या क्या चाहिए, तो वो सब पर भी हम आज बात करेंगे। आपको कितना क्या होगा, कैसे होगा, आपको फॉर्म क्या फिलअप करना है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। और उससे पहले हम आपको बता दें कि आप यदि 6th, 9th और 11th में फॉर्म भरना चाहते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप 1 मार्च से 31 मार्च तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं BHU online.in पे। और 6th, 9th, 11th 1 मार्च से 31 मार्च तक आप फॉर्म डाल सकते हैं, जबकि LKG 1 और नर्सरी LKG का आप 22 फरवरी से 9 मार्च तक डाल सकते हैं, जो कि आपको याद रखने की बात है। 9 मार्च अंतिम तारीख है, आज 2 मार्च हो गया, 1 सप्ताह बाद इसका एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, तो जल्द से जल्द डाल लें अपने फॉर्म यदि आप LKG में डालना चाहते हैं तो। और रणवीर सिंह संस्कृत विद्यालय जो कि CHS का ही एक पार्ट होगा, शायद होगा ही BHU का एक पार्ट, आप 1 क्लास के लिए डाल सकते हैं 5 मार्च से 20 मार्च तक फॉर्म आसानी से। और सेंट्रल हिंदू स्कूल राजीव गांधी दक्षिणी परिसर बरकच्छा नर्सरी के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं 15 मार्च से 31 मार्च तक। और आपको बता दें यदि ये सब आपको पसंद आ रहा हो, यदि इसी तरह का और नॉलेज चाहिए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लेकिन इससे बाद आपको बताएं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है फॉर्म डालने के लिए। तो चलिए हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट के गाइडलाइंस पे आ गए हैं। चलिए, आपको एक ईमेल एड्रेस चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव रहने वाला ईमेल एड्रेस चाहिए आपको। एप्लीकेशन जब डालें तो ज़रूर एक ऐसा ईमेल एड्रेस दे जो हमेशा आपके मोबाइल में या डेस्कटॉप में, लैपटॉप में लॉगिन रहे, जिससे आप आसानी से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन पा सके, अपडेट रहे। और दूसरी बात, आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस पे SMS हो, जिसके जरिए आपसे कम्युनिकेट किया जाए उस एप्लीकेशन के माध्यम से, या उससे जुड़ी किसी भी बात के लिए, रिजल्ट के लिए, टेस्ट के लिए, काउंसलिंग के लिए, तो ये सब के लिए भी आपको एक मोबाइल नंबर देना होगा जिस पर हमेशा मैसेज आए, नोटिफिकेशन आएगा, कॉल आएगा, तो इसके लिए एक मोबाइल नंबर आपको देना होगा। और तीसरी बात है, आपको एक कंप्यूटर होनी चाहिए जो कि अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ है, स्कैनर होना चाहिए, BW प्रिंटर होना चाहिए, यही सब है। और एक आपको कलर फोटोग्राफ देना होगा अब स्टूडेंट का, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से ज़्यादा ना हो। और दूसरा बात है कि ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर किया हुआ एक स्कैनेड फोटो अपलोड करना होगा, और आपको जो भी पेमेंट देना होगा, यदि आप जनरल में आते हैं या OBC में आते हैं तो आपको 400 रुपये से पे करना होता है, 400 रुपये पे करना होता है। और यदि आप लोअर कास्ट हैं तो आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो आपको बता दें, आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, आप जिससे भी पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको बता दें कि एक बार इधर भी हम देख लेते हैं, डाउनलोडिंग हो रहा है गाइडलाइंस। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है जहाँ आप पढ़ सकते हैं, तो इसका लिंक हम
जिस वेबसाइट का आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको हम ले चलते हैं आप यहाँ आके डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि आपको क्या क्या और ज़रूरत पड़ेगी, तो यही आपको पेमेंट के लिए आपको दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिटेड ऑनलाइन। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ज़रूर लगातार देखते रहिए, क्योंकि अभी हम आपको और चीज़ें बताएंगे, तो इसके लिए हमसे जुड़े रहिए। अभी आप वीडियो कट नहीं कीजिएगा तो आपको कुछ परेशानी हो सकती है। तो आपको आपको जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है इशू, उसके बारे में यदि आपको कोई जानकारी देनी होगी या दिखानी होगी, तो सब एडमिशन के टाइम होगा जब आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो जाएगा तो उसके लिए उसके समय होगा। तो ये सब यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सही, तो आपका एडमिशन बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं होगा और उसके जगह दूसरे का होगा। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपका एक इमेज को स्कैन करवा ले, जो कि पासपोर्ट साइज फोटो हो, सिग्नेचर को भी स्कैन करवा ले जो कि ब्लू या ब्लैक पेन से किया हो, आपको रजिस्ट्रेशन होगा BHU ऑनलाइन 2-3 पे, और पूरा एप्लीकेशन डिटेल आपको आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, फिर आपको सबमिट करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है आपको। तो अभी तो इसमें कोई ऐसा नहीं लिख रहा कि आपको कोई अभी रिक्वायर्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म वगैरह है, तो अच्छा क्वालिटी नहीं आया, लेकिन इसी तरह फॉर्म भरा जाता है। आपको 100 के भी से लोग का पिक्चर उसमें अपलोड करना होगा तभी अपलोड होगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपको चाहिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो हमने ये लिंक दिया है हमारे वेबसाइट का, जहां से आप आसानी से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे लिंक, यहाँ पे आप कमेंट कर दीजिएगा जब आप इस लिंक पर आइएगा तो, और यहाँ पे नोटिफाई मी पे क्लिक कर दीजिएगा, नोटिफाई मी पे, और कमेंट कर दीजिएगा और हम आपको रिप्लाई कर देंगे। नोटिफाई मी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल पे चला जाएगा, जैसे मेरा ईमेल है, और जब भी कोई हमें रिप्लाई करेगा तो इस पे एक नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको BHU प्रिपरेशन के लिए करना है तो बगल वाले 3 डॉट पे आप क्लिक कीजिएगा, और यहाँ पे आके ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा। पहले GK इन हिंदी पे इस इमेज पे टैप कीजिएगा, फिर 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, और फिर ऐड टू होम स्क्रीन पे क्लिक करके ऐड कर लीजिएगा। तो इस तरह आप BHU का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वेबसाइट, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको इसी तरह का और